जिला पंचायत चुनाव में समर्थ सहारा की स्पेशल कवरेज आपके जिले में आपके गांव पहुंचेगी हमारी टीम। आज देखिए नरसिंहपुर जिले के कठौतिया ग्राम के वासियों से खास बातचीत, कितनी खुश है सरपंच, विधायक और सांसद से खुद जनता की जुबानी। अमन खान, जिला ब्यूरो नरसिंहपुर। नमस्कार, नरसिंहपुर जिले की कठौतिया ग्राम में हम अभी इस समय मौजूद हैं और यह ग्राम अपने आप में एक खूबसूरती के लिए, ख़ास तौर पर इस ठंड के सीज़न में गुड़ की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसके लिए मशहूर है। और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय उदय प्रताप जी का यह है गोद लिया हुआ गांव, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जब सांसदों को बोला था कि आप लोकसभा के जो सांसद हैं वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक गाँव गोद लें, तो ये आज हम इस ग्राम में आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे वो सरपंच हों, जनपद के सदस्य हों या जिला पंचायत के प्रतिनिधि हों या विधायक हों या सांसद हों, इस गाँव की कितनी तस्वीर बदली है और क्या बदलाव आया है, कितना फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है बाबूजी आपका? नेत्राम पटेल। पटेल साहब क्या कहेंगे, सरपंच साहब के काम से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं और का। कर रहा हूं मैं। सारी सुविधाएं हैं? हाँ सुविधाएं हैं। ये साइकिल किसने दी आपको? विधायक जी ने, जालम सिंह जी पटेल ने। हाँ। क्या कहेंगे, कैसे विधायक जी हैं? अच्छे। और सरपंच जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सरपंच की वो भी अच्छा है उनका। आने वाले समय में अब चुनाव फिर से आ गए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि गांव में क्या सबसे पहले लगता है आपको? जो कोई भरोसा नहीं, कौन आ जाएगा, 10-11 कैंडिडेट का पता कौन जीत रहा कौन हार रहा। नहीं, आपको क्या चाहिए गांव में, सबसे पहले क्या होना चाहिए, किस चीज़ की कमी लगती है आपको? का कमी? राशन टाइम पर मिलता है? हाँ, राशन भी टाइम पर मिलता है। स्कूल बच्चे टाइम पर जाते हैं? हाँ। सड़कें भी, नाली हैं जी। क्या नाम है बाबूजी आपका? बाबूजी क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके जो गांव है कितने घर स्वीकृत हुए? कब पता, हमें नहीं पता। आपका घर? मैं। आपको क्या लगता है सरपंच का कार्यकाल संतुष्ट रहा, अच्छा रहा? हमने साहब अच्छे नहीं रहो, न विधायक करो न सरपंच करो। क्यों? कब है ना, तुमको गांव में जा रहा है, खुद देखो ना गांव की हालत। नहीं आप बताइए, आप गांव में रहते हैं। आप नहीं, आप भी तो हालत देखो ना, इतना लगा इतना पूरा नरक बह रहा हूँ को, जमुआ सड़क देखो ना भाई। आपने कभी सरपंच से नहीं बोला? अरे बोलो तो क्या करेगा, आप नहीं सुन रहा होगा। क्यों नहीं, विधायक को आदमी वो कहा सुन। तो आप कांग्रेस के हैं क्या? नहीं ना, कांग्रेस के ना जनता के। मैंने भाई वो तुम देख के हो देगा, नहीं तुम लोग देख लो तुम अच्छे हो तो तुम्हारा काम हो सका, हम लोग का। तो ये तो गांव का काम था, ये आपका और मेरा काम थोड़ी था। नहीं भैया, गांव में भिजवाई हो रहा हूँ सब, एक एक घर बनवाई छह से बन रहा है जी मकान, और कोई कहाँ एक गरीब कहाँ बांधरा कहाँ से क्या के नहीं सुनो जी बारे भैया चुनवे के दौरान। तो सब जी बताइए, हम लोगों को पानी पहुँच जाए 15-20-13 है, काम हो गया सच हो। क्या करते हैं? अरे तुम्हारे को नाम लिख रहा है, तुम्हारे काट रहा है, हमारे लिख रहा है, इनको काट रहा है, इनको लिख रहा है, धांधली चल रही है। धांधली, अब हमारे गांव का सच हो चौधरी जी, तो बन के चीन चीन के घर बन रहा है जो बनवाए 20 सालों से पादड़ियों में, बन के घर बन गए जो गाँव में नहीं थे। सबसे पहला तो एक एक आदमी के दो दो बल्दियत से घर बन रहा है, कहाँ पर माई? सबसे पहला जहाँ का बाहरी जहाँ का रेल लगी है ना, उनके घर बने हैं पहले गांव के, बाद में बने हैं गांव को। सबसे पहले बाहरी देखिए, यहाँ पे रोड से ही लगा हुआ एक घर है, जैसे कि ये ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि ये टपरिया वाला घर है, लेकिन आज तक ये वाला। और आगे हम चलने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको, ये मंदिर है माता जी का, काफी अच्छा मंदिर है। और लगातार जो गांव वाले हैं उनका कहीं ना कहीं आरोप है जी। आप रो घर देखो, अरे आपका सबके घर बनेंगे, अब सर नया सरपंच चुनिए और उससे वादा करवाइए कि वो आपकी मदद करेगा। नहीं नहीं, हम मैं देख लीजिए। कठौतिया ग्राम से समर सहारा के लिए अमन खान, कैमरामैन सोनू श्रीवास्तव के साथ, फिलहाल कुछ देर के लिए आपको रोकते हैं। सब इतिहास लगा तक बन गए, कहा है मकान नहीं बना। क्या नाम है आपका? नन्नू। नन्नू क्या हो गया, मकान ही नहीं बना? कई साल होगा आपका? क्या नाम है बड़े, आप भी फॉर्म जमा करने जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, जा तो नहीं रहा, लेकिन यदि इच्छा हुई गांव वालों की तो कर भी सकते हैं। क्या कहेंगे भैया इनके लिए, आप गांव वाले समर्थन में रहेंगे? समर्थन है। क्या नाम है आपका? मूलचंद ठाकुर।
ठाकुर साहब ये बताइए, अभी बाबूजी ने आरोप लगाया कि चेहरा देखकर काम हुए हैं, क्या ये सही बात है? हाँ जी, काम हो रहा है। यदि आप वास्तविकता में गांव का निरीक्षण करें तो अभी आप ये NH26 पे खड़े हैं जी, गांव के भीतर जब जाएं तो आप विकास कार्यों को स्वतः आकलन कर सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। जो मेन नाली बनने थी वो नहीं बनी, जो नाली नहीं बनने थी वो नाली बनी है, इसकी वजह क्या? क्या वोट के कारण सरपंच ने ऐसा किया? रोड पे तो नाली जरूरी है। भाई, भाई क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए जी कि नाली नहीं बनी जी, और कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे सरपंच साहब ने? तालाब है, अच्छे तो बहुत किए हैं, अच्छे काम, तालाब भी है हमारे यहाँ, पंचायत भी मानस भवन भी बना है, सब कुछ बना है, लेकिन जो मेन रोड पर नाली बनना चाहिए ना जी, वो जरूरी है। अब हमारे घर में तो पानी भरता है, आपके घर में पानी भरता जी, सरपंच साहब से शिकायत की आपने? सरपंच साहब से क्या, आप पूरे गांव भर देख रहे हैं, शिकायत करने में इसकी क्या बात है? जब मैं रोड पे नाली बनना चाहिए, वो नाली तो जरूरी है। अरे घर के बारे में बताइए, घर मिला के नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना निकाली, अच्छी नहीं मिला आपका? क्यों अभी मिलो ही नहीं है? मुझे नाले बने हैंगे तो इनमें अब ढके तक नहीं है, कोई गिर जाए मोटरसाइकिल सहित गिर जाए। नाली छोड़ो, ये बताओ कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने घर स्वीकृत हुए, हुए किसी गरीब के घर? गरीब के हुए हैं, मैंने मोदी के हुए हैं, ऐसा नहीं भाई कि जिसका होना चाहिए उसका घर। 8 acres 6 acres वालों के भाई, हाँ गरीब के नहीं भाई, एक के जिसके पास जमीन है उसके भाई घर। जी बाबूजी क्या नाम है आपका? हर नारायण दास जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या जी ये मकान नहीं बने, और आपका भी मकान नहीं बना? नहीं, और हम तो बहुत गरीब हैं। यहाँ कितने लोग खड़े हैं, जितने इनमें से किसी का मकान बना? यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी का भी प्रधानमंत्री आवास योजना से? आपका बिल्कुल नहीं, इधर तो कई साल हो गए। आपका भी नहीं बना? हाँ। आपका बाबूजी? हाँ, पैसा तक कैंसिल करवा जाए। क्यों पूछो आप भी नहीं से, अब हम का बताएं? और ये रेत महंगी मिल रही है इसके लिए? हजार कैसा भाई, आपने से वो आते न सचिव? सचिव ने जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या जी ये मकान नहीं बने, और आपका भी मकान नहीं बना? नहीं, और हम तो बहुत गरीब हैं। यहाँ कितने लोग खड़े हैं, जितने इनमें से किसी का मकान बना? यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी का भी प्रधानमंत्री आवास योजना से? आपका बिल्कुल नहीं, इधर तो कई साल हो गए। आपका भी नहीं बना? हाँ। आपका बाबूजी? हाँ, पैसा तक कैंसिल करवा जाए। क्यों पूछो आप भी नहीं से, अब हम का बताएं? और ये रेत महंगी मिल रही है इसके लिए? हजार कैसा भाई, आपने से वो आते नहीं सचिव? सचिव नहीं, वो जो खोटी लेते का कहते हैं भाई, इंजीनियर सचिव, इंजीनियर 22,000 दो, अच्छा 10-5,000 इन्हें दो। नाम पता है आपको उनका, जो पैसे की डिमांड करते हैं, नाम पता है उनका? अब भी पैसा को डिमांड भी तो करे थे भी लगते हैं, जैसे मेरे को घर बनवाना है, मान लो मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, वे कह रहा है कि ऐसा बनाओ 30 रुपए, अब वो सब बन जाएगा 1,20,000 में। कितने रुपए लगते हैं? 20-18 काम वालों को भी नहीं दे, 10 लेंगे। अच्छा जी, आप बताइए आपका घर बना? अरे भैया अभी तो घर नहीं बना, हाथ जोड़े पाप हो रहे हो, निवेदन करो मैंने घर बना, चक्कर नहीं दीवार के चल रहे पानी। देखिए हमारे साथ कैमरामैन हमारे सोनू श्रीवास्तव जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार सब लोगों के जरा चेहरे दिखाएं। सरपंच साहब के कार्यकाल से बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, और सबका यही कहना है कि जो मुख्य चीज़ें थी, सबसे पहले नाली जिसके कारण बहुत सारे लोगों के घर में पानी आता है, उसको बनना था लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों के घर बने हैं जिनको जरूरत नहीं थी, जिनके घर बनने थे उनके घर नहीं है। हमारे जाटो मोहल्ला में पानी ही नहीं है, देख लो। अच्छा। चल कर नाली, आपके यहाँ पानी 15-20 कनेक्शन चाहिए, पानी ही नहीं है, रोड से लेते ही थे पानी। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलराम जाटो। बलराम जी, और इसके अलावा कोई समस्या? बस कोई समस्या नहीं, पानी की समस्या। कितने लोगों ने आपके गांव से फार्म भरा है सरपंच के लिए? इसकी जानकारी पूरी पूरी नहीं, वर्तमान में चार लोग भर चुके हैं। क्या लगता है उन चार लोगों में से कोई है अच्छा कैंडिडेट जो आपके गाँव के विकास के लिए आगे आएगा? अभी तो और रह गए ना शेष, सर से पूरे भरा जाए तो पता चले कि आखिर में वास्तविक है कौन सरपंच हो। चुनो जी, अब जगह चुनो जी, अब चुनो जी बारे भैया, चुनो हम लोगों को पानी पहुंच जाए 15-20 13
गांव में नहीं थे, एक एक आदमी के दो दो बल्दी से घर बन रहा है।